देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश जो है मोदीमय होता जा रहा है। पूरे देश में ही नहीं, आज दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा जा रहा है। आजमगढ़ और रामपुर के लोगों ने जो उनसे भूल हुई थी, जिस भूल को उनको 5 वर्षों के बाद जो है सुधारना था, ईश्वर ने उनको जो है 3 वर्षों में मौका दिया। मैं आप सबसे उस समय भी कहता था कि समाजवादी पार्टी की अंतिम किला ये भी इस बार ध्वस्त हो जाएगा। तो आज जो है मोदी और योगी के नेतृत्व में जो जनता ने भरोसा किया, उन्होंने जो काम किया है जनता के बीच में, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी जनता की, इतनी बड़ी विपत्ति पूरे दुनिया में आई थी कोरोना के काल में, उसमें मोदी और योगी जी नहीं होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और हुई होती। उन लोगों ने जिस तरह से काम किया और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2-2 वैक्सीन बनाया, जो उस वैक्सीन को आज हम लोग डबल डोज लगा करके आज हम लोग सुरक्षित घूम रहे हैं उसको, और योगी जी ने अपने पिता के श्राद्ध में न जा करके प्रदेश की जनता की जो सेवा करते रहे, तो जनता को कहीं ना कहीं लगा कि आजमगढ़ और रामपुर की जनता को कि हमने भूल की मोदी और योगी के नेतृत्व को, हमको जो है जिताना चाहिए था। आज उन्होंने जिता करके अपनी गलती को आज सही कर दिया। आज ये जीत केवल आजमगढ़ और रामपुर की जीत नहीं है, ये पूरे हमारे जो मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है ये उसकी जीत। देखिए ये वो आज हारने के बाद गलत बयान कर, मैं खुद आजमगढ़ में था। आप ये बताइए कि आजमगढ़ में एक कंप्लेन, सिंगल कंप्लेन समाजवादी पार्टी पूरे चुनाव में की हो तो आप बताइए। आज वो चुनाव हार रहे हैं तो आज कह रहे हैं कि जो है प्रशासन की जीत है। ये ऐसे जीतते रहे, ये इनकी सत्ता जब रही है तो जबरदस्ती जीतते थे। सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कंप्लेन तक, मैं तो आजमगढ़ में था ना, एक कंप्लेन तक नहीं। जिस होटल में समाजवादी पार्टी के लोग उनके प्रत्याशी थे वो परचून होटल में ही मैं रहता था, एक सिंगल कंप्लेन कहने के लिए भी नहीं किए कि ओवर, क्योंकि हमारी सरकार में किसी के साथ जाति नहीं होती है, सबका समान रहा। जो मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं, आज समाज के हर वर्ग के लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि कोरोना में जो उन्होंने वैक्सीन लगाई, क्या जाति पूछ के लगाई, क्या मजहब पूछ के लगाई, ये कोरोना में लोगों की नौकरी छूट गई, व्यवसाय बंद हो गया, लेकिन आज उनके घरों में आज राशन पहुंच रहा है, उनके घर में आज चूल्हा जल रहा है, सभी लोग खाना खा रहे हैं, ये क्या जाति और मजहब पूछ के किए? मोदी और योगी जाति और मजहब पूछ के नहीं करते, ये वही लोग कह रहे हैं जो जाति और मजहब की राजनीति करते।